नगर पालिका का चुनाव करण है वो सच चुका है और इस चरण के अंदर 28 तारीख को आहुति दी जाएगी। चुनाव के अंदर जबरदस्त मुकाबला देखा जा रहा है प्रत्येक सीट के ऊपर। बात करें वार्ड नंबर 7 की तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका के जो निवर्तमान है राजकरण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी बड़ा मुकाबला यहाँ पर नहीं कह सकते क्योंकि बीजेपी ने एक युवा को इस राजकरण जी के सामने उतारा है, जबकि राजकरण जी की बात करें तो इनका राजनीति में काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव है। इनके पिताजी हैं वो भी नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं और काफ़ी इन्होंने काम किया वार्ड के अंदर। तो इनका कहना है कि जो मैंने काम किया उसी के नाम पर फिर से मैं विकास के नाम पर ही वार्डवासियों के बीच जा रहा हूँ। राजकरण जी, जिस प्रकार से आपका अनुभव रहा है नगरपालिका चुनाव को लेकर, एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में हो, किस प्रकार का जनता द्वारा समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, नगरपालिका में हमारे परिवार का बहुत पुराना नाता है। मेरे पिता 8 बार नगरपालिका के लगातार पार्षद रहे और माननीय विधायक महोदय के आशीर्वाद से 2000 से लेके और 2005 तक उनको नगरपालिका का चेयरमैन बनाया गया और 5 साल का कार्यकाल 20 साल बाद भी आज जनता के मुँह से बोल रहा है, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। मेरे को 2010 में पिताजी ने रिटायरमेंट लेके मुझे राजनीति में मैं आया और पहली बार मैं चुनाव जीता और विधायक महोदय ने मुझ पर पहली बार ही विश्वास करके मुझे वित्त कमेटी का चेयरमैन बनाया। दोबारा मेरे वार्ड की सीट ऐसी आ गई, इस वजह से मुझे वार्ड नंबर 8 में चुनाव लड़ने के लिए विधायक महोदय द्वारा आदेशित किया गया और वार्ड नंबर 8 में मैं चुनाव जीत के आया। चूँकि हम अल्पमत में आ गए, भाजपा की बोर्ड बन गया, इसलिए अनिल जी शर्मा व विधायक महोदय दोनों ने मुझ पर विश्वास करके और मुझे नेता प्रतिपक्ष का पद संभालाया, जिसे मैंने पिछले 5 साल में आप लोगों ने देखा, मीडिया ने भी देखा, जनता ने भी देखा। सरदार शहर में कोई ये जानता नहीं था कि प्रतिपक्ष क्या होता है या प्रतिपक्ष का कोई अस्तित्व होता है क्या। मैं ये एहसास मैंने कराया कि प्रतिपक्ष नेता बनना भी कोई है, उसके भी जिम्मेवारियाँ होती हैं और उसके भी कर्तव्य होते हैं और उसको पूरा करना चाहिए, और वो मैंने मेरे पूरे जोर शोर से मैंने उसकी आवाज़ उठाई, विरोध भी किया गलत बातों का और अच्छा कार्यकाल रहा। अब मुझे विधायक महोदय ने वार्ड नंबर 7 से टिकट दिया है और टीम अनिल शर्मा के रूप में हम काम कर रहे हैं और आशा है विधायक महोदय के विश्वास हम दिलाना चाहेंगे कि अच्छा वोट बनेगा और अनिल जी शर्मा जो हमारे युवा नेता है और युवा टीम उन्होंने जो बनाई है वो निश्चित रूप से शहर में काम करेगी। हमने देखा है कई मौके पे आप लड़ते हुए नजर आए नगर पालिका के अंदर, जबरदस्त आपकी विपक्षी भूमिका निभाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से 5 साल का कार्यकाल रहा सुषमा पिंचा का, जो बीजेपी की है नेता, कैसे देखते उस कार्यकाल को? जनता ने बड़े विश्वास के साथ 40 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया और इनका पहला एजेंडा ये था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बना तो हम शहर के मुख्य बाजार के गंदे पानी की होने वाले इकट्ठे गंदे पानी से निजात दिलाएंगे। और पहली मीटिंग में हमने ये बोल भी दिया कि भाई विकास का काम करिए, हम आपके साथ देंगे, लेकिन इन्होंने काम करने की बजाय आपस में लड़ना शुरू कर दिया और इनके कुर्सी का विवाद होने की वजह से ये 2 भागों में बंट गए, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और हमने हमारा प्रतिपक्ष का काम किया, पालिका चेयरमैन ने हमारे साथ, खास करके मेरे माइनॉरिटी के वार्डों के साथ और हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हुए हमें कोई काम वाम नहीं दिए, फिर भी हमने हिम्मत नहीं तोड़ी और हमने हमारा विरोध जारी रखा और जनता के सामने और मीडिया के सामने हमने बार बार गुहार लगाई और उसका नतीजा है कि आज इस सुषमा जी का या भारतीय जनता पार्टी का शहर में विरोध हो रहा है, जो आप देख रहे हो। पूरा कार्यकर्ताओं में जोश है और पूरे जोश खरोश के साथ। रही बात टिकटों की, टिकटें ऐसी हमारे विधायक महोदय ने इतनी बढ़िया टिकटें बांटी है कि अब की बार 45 पार का जो हमारा नारा है, निश्चित रूप से ये सफल होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आपके पिताश्री का कार्यकाल रहा मोहनलाल जी का 5 सालों के अंदर, अब भी जनता उसे याद करती है, तो आपके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी होगी ऐसे ही कार्यकाल को, जो इस प्रकार से आपके पिताजी ने काम किया वैसी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी होगी, तो किस प्रकार से उन जिम्मेदारी को निभाते हो और क्या कुछ आपको लगता है कि कितना विकास अब आप फिर से करा पाओगे? देखो, विधायक जी के साथ मेरे पिताजी का बहुत पुराना रिश्ता रहा और उसी अनुभव का फायदा उठा के पिताजी ने जो काम किए वो जनता ने काफ़ी सराहे। मैं ज़्यादा दावा तो नहीं करता, लेकिन हमारी टीम की इच्छा यही है कि हम शहर में कुछ ऐसा करके दिखाएं ताकि लोग उस कार्यकाल को फिर से वो सजग या याद करें, प्रयास करेंगे
और निश्चित रूप से बोर्ड अगर बना तो जिस एजेंडे में इन्होंने चुनाव लड़ा था इन्होंने पूरा नहीं किया। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि सर्वप्रथम हम शहर के गंदे पानी की निकासी का निश्चित रूप से वो प्रबंध करेंगे, जिसके रूप में मैं आपको बता दूं 1,49,00,000 रुपए के टेंडर अभी हमारे प्रशासक ने ईओ ने निकाल दिए और जिसका काम भी शुरू हो गया। और कोई अगर देखना चाहे तो मुख्य गिनानी से करीब 400 फुट नाला बन के चौड़ा होके तैयार हो गया। मेरा विश्वास है अगर वो नाला चौड़ा होके पूरा मुख्य बाज़ार तक पहुँचेगा उसके बाद पानी की समस्या नहीं रहेगी। इसके बावजूद भी अगर समस्या रहती है तो विधायक महोदय ने हमें स्पष्ट कहा है कि इसकी नई DPR बना के और नए सिरे से इसकी करा के अगर हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से शहर को इस गंदगी से निजात दिलाना हमारा मुख्य काम रहेगा। और गिनानियों की जहाँ तक हमने एक घोषणा पत्र भी आपको जारी किया है, मीडिया के सामने भी किया है, गिनानी मुक्त शहर बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा ताकि शहर में बीमारियां नहीं फैले, गंदगी नहीं रहे। कचरा निस्तारण के लिए भी हमने ये किया है कि भाई प्रत्येक टेम्पो, एक वार्ड एक टेम्पो कचरा संग्रहण के लिए हम लगाएंगे। फिलहाल व्यवस्था जो इन्होंने कर रखी है वो 5-5 वार्डों पे एक एक टेम्पो लगा रखा है, जिस वजह से सही समय पे कचरा निस्तारण नहीं होता है। और हमारा ये प्लान है कि भाई हम उसको वार्ड वाइज करेंगे और एक एक टेम्पो एक एक वार्ड में लगा के कचरे का संग्रहण करेंगे। और इससे आगे जाके हमने कचरा संग्रहण केंद्र जो अभी हमारा कचरा नंबर 100 में बनने जा रहा है उसमें कचरे का निस्तारण करके शहर को भी जो है ये चारों पांचों जो मार्ग गंदगी से कचरा डालने से है उनको भी हम सही कराएंगे। राजगढ़ जी, आप काफ़ी बड़े नेता हो कांग्रेस सरदारसर कांग्रेस के, आप सिर्फ आपके वार्ड में नहीं जा रहे, हमने देखा है कि आप प्रत्येक वार्ड में जा रहे हो जहाँ पे कांग्रेस सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। और वार्डों की बात करें तो किस प्रकार का समर्थन कांग्रेस को वहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है? जहाँ जहाँ मैं हमारे नेता अनिल जी के साथ या विधायक महोदय के साथ कार्यालय उद्घाटनों में गया हूँ तो उद्घाटनों में जाते वक्त मैंने आम लोगों से वहाँ काफ़ी बात अलग से बातें की है और उनका जो जोश और खरोश हमें देखने को मिल रहा है। और 5 साल के इस कुशासन से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं और अच्छा भरपूर समर्थन हमारे विधायक जी को मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मोहनलाल शर्मा जो कहते हैं वो करते हैं और लोग उनकी बात पे विश्वास करते हैं। और यही कारण है कि भाई लोगों ने एक बार देख लिया तो उसको वो खामियाजा भुगत रहे हैं, दोबारा उसको उनको मौका नहीं मिलने वाला। लोगों में बड़ा जोश है, कांग्रेस काफ़ी सीटें जीत के आ रही है। अंतिम सवाल आपसे ये कि प्रदेश के अंदर गहलोत सरकार है, सरदारसर की बात करें तो विधायक मोहनलाल शर्मा जो कांग्रेस से, तो इसका भी लाभ नगरपालिका चुनाव के अंदर मिलेगा आपको? निश्चित रूप से ये आजकल के युवा और सब वोटर जो है ये समझदार हो गए हैं कि जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी विकास होंगे। तो यहाँ नगरपालिका कांग्रेस की बनेगी और हमारे 7 बार से लगातार चुने जा रहे वरिष्ठ विधायक महोदय वहाँ जयपुर में मौजूद हैं, ऊपर गहलोत सरकार है, तो निश्चित रूप से आने वाले 3 सालों में पैसों की कमी हमारे विधायक जी नहीं रहने देंगे। और भाई अनिल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारी टीम अनिल शर्मा निश्चित रूप से शहर के विकास काम करके आपको दिखाएगी और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके मीडिया को हम बताने का प्रयास भी करेंगे कि हम ये करने जा रहे हैं ताकि जनता को जानकारी मिल सके। तो ये थे राजकरण चौधरी, जिनका कहना है निश्चित ही जो नगरपालिका वो कांग्रेस की बनने जा रही है, कड़ी से कड़ी जोड़कर सदा से जनता वो विकास को पथ है वो प्रतस्थ करेगी।